हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साधना निरंजन, टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट, फैकल्टी ऑफ माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी समर कैंप एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राई फ्लावर डेकोरेशन, जैसे कि फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन होता है। यू नो फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन। फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन मींस जैसे कि हम न्यू फ्लावर्स को, फ्लावर अलग अलग स्टाइल के लीव्स को अरेंज करके एक साथ जब पॉट में रखते हैं उसे फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन कहते हैं। कई तरीके के डेकोरेशन होते हैं, आप इसे पॉट में भी रख सकते हैं, बुके भी बना सकते हैं। सेम ऐसे ही ड्राई फ्लावर डेकोरेशन होता है, बस इसमें सारी चीजें हमारी ड्राई यूज होती है, इसमें एक भी चीज फ्रेश नहीं यूज होती है। सेम ऐसे ही आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पिस्ता शेल से ड्राई फ्लावर्स बनाना। ओके, तो जो पिस्ता शेल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, आप सभी जानते होंगे पिस्ता, ये ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। इनमें से हम क्या करेंगे, इसके शेल को अलग कर देंगे। ओके, ये मैंने इस तरीके से बहुत सारे कलेक्ट करके रखे हैं शेल्स, आप इस तरीके से कलेक्ट करके इससे ड्राई फ्लावर्स बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको इसमें ज्वेलरी बनाना भी सिखाऊंगी, जिसमें मैंने पिस्ता को कुछ कलर कर लिया है, पिस्ता के ऊपर बैक साइड में, अंदर साइड से नहीं बाहर साइड से मैंने इसको कलर कर लिया है ब्रश के हेल्प से। ये मेरे पास बहुत सारे फैब्रिक कलर्स हैं ग्लिटर वाले, आप इसमें नेल पेंट भी यूज कर सकते हैं। जो नेल पेंट है, नेल पेंट से ये और ज्यादा शाइनी और अच्छे बनते हैं, और ये लगते भी ऐसे ही है जैसे अगर मैंने देखे कि हमारे नेल्स की तरह है, नेल्स की तरह शो होते हैं। तो इन्हें हमें कलर करके हम इससे ज्वेलरी भी बनाना सीखेंगे। हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से बनाएंगे स्टूडेंट्स। हॉट ग्लू गन को कैसे यूज करना है प्रॉपर ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में मैंने एक ये स्प्रे कलर भी लिया है गोल्डन कलर का। ये स्प्रे कलर मार्केट में अवेलेबल है, ये इजीली हो जाते हैं क्योंकि हमें बस इसको ओपन करके और इसे बस स्प्रे कर रहा हूँ, फ्लावर हमारे सेकंड में कलर्ड हो जाएंगे। ये सारे कलर्स में अवेलेबल है। अगर आप ये इसको परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मल कलर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया नेल पेंट भी यूज कर सकते हैं। और ये मैंने ड्राई स्टिक ली है, ये हमें बाहर जो नॉर्मल झाड़ियां होती हैं हम यहाँ से भी लाकर इसको पेंट कर सकते हैं। ये नॉर्मल स्टिक है तो इसमें हम वेल्डिंग वायर से इस तरह से ब्रांचेस बनाकर, जो हमारे पास ये पेपर टेप है इससे इसको पूरी तरीके से कवर करके फिर हम इसे ब्राउन कलर कर देंगे, तो हमारी ये स्टिक रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें इन फ्लावर्स को इस तरह से स्टिक करके अरेंज करेंगे। क्लियर ना, आप ये देख रहे हैं मैंने इसको यहाँ पर स्विच पर अटैच किया है, ये अभी ऑन है बटन, और मेरे हॉट ग्लू गन में यहाँ पर भी ऑन ऑफ का बटन है, तो मैंने इसको ऑन रखा था, अभी ये मेरी गर्म हो गई इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अगर आपके इसमें ये बटन नहीं है यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, यहाँ स्विच नहीं है तो इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे, हमें ये हमेशा करना है। ये आप यहाँ से प्लग भी हटा सकते हैं, ठीक है। और ये स्टैंड आप देख रहे हैं ये हमारे सपोर्ट के लिए रहता है, इसमें कभी कभी हॉट ग्लू गन से ग्लू टपकती रहती है, इसलिए हमें हमेशा इसके नीचे एक प्लेट लगानी चाहिए। ओके, इतना आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब आप देखिए ये फ्लावर कैसे बना है, लोटस स्टाइल में लग रहा है, इससे लोटस खिला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, ये आप देख रहे हैं पिस्ता कवर, मैंने इसको बस हल्का सा इतना खोलकर से बाहर निकाल लिया, पर ये अभी ज्वाइंट इसका टूटा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये मैंने क्लोज पार्ट में, एक क्लोज वाला पार्ट था, इसमें बस हम साइड से पिस्ता कवर को इस तरह से अटैच करते जाएंगे। जैसे इस फ्लावर में हमने अंदर साइड पहले क्लोज वाला पार्ट लिया है, फिर हम धीरे धीरे इसमें इसको ओपन इस तरीके से फैलाते हुए बनाते हुए जाएंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ग्लू लगाऊंगी। इसे आपको ध्यान से लगाना है कि आपके हैंड्स में ग्लू ना लगे, ये गर्म होती है। नेक्स्ट में मैंने डायरेक्ट इसी में थोड़ी सी ग्लू रख दी है। ये मैंने इतना अरेंज कर लिया अभी।
इसे हम बीच बीच में थोड़ा सा ड्राई होने देंगे क्योंकि ग्लू इसमें अभी फ्रेश लगी हुई है और ये गर्म होती है। ओके, मैंने अपोजिट कर दिया ग्लू इसी में से लेकर हम इसे स्पीडली अटैच करते जाएंगे। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ड्राई हो गया है, अभी मैंने सिर्फ इतना सेट किया है। हम इसको ड्राई करते हुए बनाएंगे तो ये इजी पड़ेगा। और इसमें ग्लू लगाने से अच्छा है कि हम इसके बैक साइड में यहाँ पर इस तरह से ग्लू रखकर और फिर यहाँ शेल से ग्लू थोड़ा सा लेकर इसको इस तरीके से हैंग कर दें। इसे हम बिल्कुल अब क्लोज नहीं करेंगे, थोड़ा ओपन करते हुए लगाएंगे। और इसे आप पेरेंट्स की हेल्प से भी कर सकते हैं क्योंकि हॉट ग्लू गन इलेक्ट्रिक से चलती है, तो आप इसको पेरेंट्स के साथ ही बनाएंगे अगर आपने अभी तक हॉट ग्लू गन यूज नहीं की है तो। ओके, बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टाइमली इसको आपको आपकी मशीन जब गर्म हो जाती है हॉट ग्लू गन टोटली तो आप इसको क्लोज करेंगे। बस इसी तरीके से हमें इसमें बढ़ाते जाना है, अब ये ड्राई होगा, इसको हम ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद फिर हम इस पे ग्लू लगाकर इसको और बड़ा करते जाएंगे। सेम ऐसी प्रोसेस है, हमारा पूरा फ्लावर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, इतना फ्लावर देख रहे हैं, अभी इस साइड से हमारा थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ हमें ग्लू किस तरीके से करना। हमें जब एक बार बीच में इसकी पकड़ बन जाती है ना, तो हमें बस पीछे साइड में इसमें इस तरीके से, जैसे हमने इतने से पार्ट में ग्लू लगाया है के बाद हम इसको बस अपोजिट में यहाँ से ग्लू लेकर इस तरीके से स्टिक करते जाएंगे और ये हमारा फ्लावर बैक साइड से बढ़ता हुआ जाएगा, है ना इजी। आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम इस फ्लावर्स को कलर करेंगे। कलर के लिए मेरे पास ब्रशेस हैं और ये फैब्रिक कलर्स हैं। फैब्रिक कलर में ग्लिटर कलर्स भी आते हैं और प्लेन कलर्स भी आते हैं, आपकी चॉइस है आपको किस कलर के अपने फ्लावर्स कलर करना है। तो मैं आपको एक फैब्रिक से भी कर दिखा रही हूँ। फैब्रिक में मैं बस ब्रश लेकर इस तरीके से हम इसे कलर करेंगे। ये भी इजी है। और सेकंड मैं आपको इसी में बता देती हूँ, जैसे मेरे पास ये नेल पेंट है पिंक कलर की, आपकी मम्मा के पास जो भी यूज में नेल पेंट नहीं है वो आप नेल पेंट इसमें यूज कर सकते हैं। नेल पेंट के लिए हमें ये भी इजी पड़ेगा, इसको ब्रश से अप्लाई करना। देखें गैपिंग में जहां जहां दिख रहा है हम अंदर बाहर से इसको पूरा कलर करेंगे। ओके, और लास्ट मेरे पास स्प्रे भी अवेलेबल है, ये मैंने आपको स्प्रे भी बताया था। तो आप स्प्रे से क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एक सेकेंड में पूरा हम स्प्रे से कलर कर देंगे। मेरे पास गोल्डन कलर का है, ये सारे कलर्स के कलर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको परचेस कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको फैब्रिक कलर और नेल पेंट दोनों से बता दिया है कि इनसे भी इजीली कलर हो जाता है। स्प्रे करने के लिए मैंने पहले न्यूज़पेपर रखा है नीचे, हम जहाँ भी करेंगे पहले हम न्यूज़पेपर रखेंगे वेस्ट, उसके ऊपर इस फ्लावर्स को इस तरीके से रख कर हमें डायरेक्ट स्प्रे करना है। ये मेरे पास गोल्डन है, इस तरीके से भी हम कर देंगे कि ये चारों साइड से हो जाए। ये स्प्रे बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आप देख रहे हैं डार्क कलर का हो गया, ये कॉपर गोल्डन कलर है हमारा। और ये आप देख रहे होंगे लिक्विड भी यहाँ पर ही आ गया, ये पेंट की तरह होता है और बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। एक फ्लावर हमारा हो गया कलर, इसे बैक साइड से हम बाद में भी कर सकते हैं जब तक ये आगे से ड्राई हो जाएगा। ऐसी मैं सारे कर दूंगी, है ना इजी। सेकेंड में हमारा ये कलर हो गया, आप देख रहे हैं ये सारे हमारे कॉपर गोल्डन कलर के फ्लावर्स रेडी हो गए और कितने प्यारे लग रहे हैं दिखने में। सेम ऐसे ही हम स्टिक को भी पेंट कर सकते हैं ब्रश के हेल्प से या फिर डायरेक्ट इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज के लिए फर्स्ट हम इसमें बैक साइड में ये ग्लू लगाकर और इस तरीके से यहाँ पर स्टिक कर देंगे। सेकेंड वाला
एंड थर्ड हमें इसे खुद अरेंज करना है कि हमारा कहाँ पर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम छोटे छोटे और भी पिस्ता कवर्स छोटे छोटे कली की तरह आप इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ये स्टिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हम कुछ कलरफुल या फिर प्लेन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको कली की तरह से अटैच कर देंगे। अटैच हो गई है। सेम यहाँ हम सेंटर में भी जो जो स्पेस आपको ब्लैंक दिख रही है वहां पर हम इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब हमारी ये स्टिक रेडी हो गई है, बस ये ड्राई हो जाए और स्टिक कंप्लीट। सेकंड हम नेकलेस बनाना सीखेंगे, प्लस इसके साथ इयररिंग्स भी बनता है, पूरा ये सेट बनता है। इसके लिए मैंने मेरे पास एक पुरानी ये चेन पड़ी हुई थी, आप कोई भी चेन पुरानी ले सकते हैं, इसमें न्यू भी एक चेन ले सकते हैं, या फिर आप इसमें थ्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं, फैंसी थ्रेड्स भी आते हैं। और यहाँ पर मैंने एक ब्लैक पेपर का रफली एक पेपर कट कर लिया A4 साइज शीट का, इस तरीके से, मतलब ये ओवल का हाफ ओवल है, हाफ ओवल को कट करके मैंने यहाँ पे हॉट ग्लू गन से इसको इसके चेन के साथ फिक्स कर दिया है। अब इस पर हम अपने कलरफुल पिस्ता कवर्स को शेल्स को इस तरीके से लाइन से अटैच करते हुए जाएंगे। ओके, फिर सेकेंड रो में हम दूसरा कलर लेंगे लाइट कलर, फिर उससे लाइट कलर, फिर उससे लाइट कलर, इस तरह से हमारा ये पूरा नेकलेस रेडी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम नीचे साइड इसमें पेपर का यूज इसलिए कर रहे हैं कि जब ये नेकलेस कंप्लीट हो जाएगा तो बैक साइड में हम पूरा हॉट ग्लू गन से इस पेपर को कवर कर देंगे। हाफ शेल हमें बाहर निकालना है, हाफ शेल इसके अंदर रखना है। सेकेंड रो में हम दो के सेंटर में नेक्स्ट कलर लगाएंगे। स्टूडेंट आप देख रहे हैं मैं इस तरीके से इसमें सेंटर्स बनाते हुए लगा रही हूँ। फर्स्ट रो हमारी ये थी, इन दो के बीच में मैंने रेड वाला फिक्स किया है, सेम रेड वाले के बीच में पिंक वाला, इस तरीके से हमारी ये चेन बनती गई और ये पूरी प्लेस फिल होती जाएगी और इसी तरीके से हमारा ये डिजाइनर नेकलेस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लगाने का तरीका होता है शेल पे, इस साइड हम ग्लू को लगाकर ऐसे अटैच करते हैं। मैं ये मल्टी कलर में कर रही हूँ तो आप इसी तरीके से इसको मल्टी कलर में करेंगे। मैंने ये सारे पिस्ता शेल्स
नेल पेंट से, फैब्रिक ग्लिटर कलर से, ब्रश के हेल्प से इसको पेंट किया है। आप इसे स्प्रे की हेल्प से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देख रहे हैं कितना प्यारा नेकलेस लग रहा है ये। इसमें ये चैन भी ऐड हो गई है और अभी इसमें बस वन कलर और रह गया है। ये वन सर्किल मैंने कर दिया, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। लास्ट में मैं यहाँ पर येलो का टचअप दूंगी। ये देखिए स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है ये? अब इसी के मैचिंग के हम मैं इसमें आपको इसमें एयररिंग्स भी बताऊंगी। ओके, एयररिंग्स बनाने के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया है ऐसे पिंक येलो पिंक नेकलेस के मैच का। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें डिजाइन बना सकते हैं, तरीके से इसमें फ्लावर भी अरेंज करके दिखा सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। मैंने बहुत सारे कलरफुल करके रखे हैं। इसे मैंने नेल पेंट से भी किया है और फैब्रिक ग्लिटर कलर से भी किया है ब्रश से। आप भी पहले कलर करके रख लेंगे चॉइस में। थोड़ा ड्राई होने देंगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने ये नेकलेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है विद चैन। इसको मैंने स्टोन से डेकोरेट भी कर दिया। आप भी इस तरीके से स्टोन से डेकोरेट कर सकते हैं। ये इयररिंग्स जो मैंने बनाए हैं इसमें अभी मैं ये एंगर फंसाऊंगी। इसके छोटे छोटे से एंगर मार्केट में अवेलेबल है। या आप आपके जो पुराने इयररिंग्स हो जाते हैं ना उससे भी इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं भी सूखने दूंगी। है ना इजी बनाना ये, और ये अट्रैक्टिव भी लग रहा है, ब्यूटीफुल भी लग रहा है काफी। और ये हमारी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। इसको हम थोड़ा ड्राई होने देंगे के बाद ही हमारा सेट रेडी हो जाएगा। आप देखिए सेम इस तरीके से आप इसको थ्रेड में भी कर सकते हैं, कलर मैचिंग कलर्स के भी इसको आप बना सकते हैं। और ये बहुत इजी है, बस आपको हॉट ग्लू गन अच्छे से यूज करना है, सेफली यूज करना है। कैसा लगा आप सभी को, ज्वेलरी कैसी लगी, फ्लावर्स कैसे लगे? आप सभी इसको ट्राई करेंगे और इसे बनाएंगे। टेक केयर, गुड बाय।